दिल्ली के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी, आज मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना। नासा ने अंतरिक्ष से ली टोक्यो ओलंपिक में लाइटिंग की तस्वीर, दिखा भव्य नजारा। जम्मू कश्मीर, हिमाचल और लद्दाख में बादल फटने से 17 लोगों की मौत, अमित शाह ने उपराज्यपाल से की बात। टीएमसी ने त्रिपुरा की बीजेपी सरकार पर साधा निशाना, निरंकुश सरकार चलाने का लगाया आरोप। ट्विटर पर पीएम मोदी बने सबसे लोकप्रिय नेता, फॉलोअर्स की संख्या 70 मिलियन पहुंची। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में एक बार फिर से भारी बारिश शुरू हो गई है। दिल्ली में लगातार दूसरे दिन बारिश होने से पारा कम हो रहा है। मौसम विभाग के अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली में मॉनसून के कारण एक हफ्ते तक हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। आज दिल्ली के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। भारी बारिश की वजह से सड़कों पर यातायात बाधित हो सकता है और निचले इलाकों में पानी जमा होना संभव है। तापमान सामान्य से 7 डिग्री कम, 27.6 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री कम यानी 25.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पड़ोसी राज्य हरियाणा के कई इलाकों में भी भारी बारिश दर्ज की गई है, जिसकी वजह से गुरुग्राम में कई स्थानों पर जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। वहीं बात करें चंडीगढ़ की, तो चंडीगढ़ सहित पंजाब के कुछ इलाकों में भी दिन में बारिश दर्ज की गई। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित दंतेवाड़ा के लोन वराटू अभियान से प्रभावित होकर इनामी नक्सली समेत 11 नक्सलियों ने सुरक्षा बलों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। इनमें से 3 महिला नक्सली भी शामिल है। दंतेवाड़ा जिले के पुलिस अधिकारियों ने बुधवार को यह बताया कि माओवादियों के मंगागिर एरिया कमेटी के पास से सक्रिय महिला नक्सली समेत 11 नक्सलियों ने सुरक्षा बलों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। बता दें कि इनामी नक्सली पर 1,00,000 रुपए का इनाम था। केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का आंदोलन दिल्ली की सीमाओं में जारी है। किसान आंदोलन को 8 महीने से ज्यादा हो गया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने किसान आंदोलन का समर्थन किया है। अखिलेश यादव ने संसद में किसानों के समर्थन में लिखी तख्ती दिखाई। सांसद अखिलेश यादव ने विरोध दर्ज कराया है। उन्होंने तीनों कृषि कानून को वापस लेने की मांग की। बता दें कि देश भर के किसान केंद्र के 3 नए कृषि कानूनों का विरोध किया जा रहा है। अब किसानों का जत्था उत्तर प्रदेश में भी डेरा डालने वाला है। किसानों ने मिशन उत्तर प्रदेश और मिशन उत्तराखंड की शुरुआत कर दी है। यूपी चुनाव को लेकर बीजेपी ने सांसद दिल्ली में चिंतन कर रहे हैं। आपको बता दें कि 2 दिनों तक लोकसभा और राज्यसभा के एमपी चुनाव की रणनीति पर बात की। आपको बता दें कि आज से शुरू हो रही इस बैठक पर अखिलेश यादव ने दिल्ली में जमकर हमला बोला। संसद की बैठक में शामिल होने आए अखिलेश ने ट्वीट कर कहा कि बीजेपी यूपी की दुर्दशा का हाल दिल्ली बुलाकर पूछ रही है। इससे पता चलता है कि दिल्ली और लखनऊ में कितनी दूरी है। अखिलेश यादव आगे लिखते हैं कि बीजेपी चाहे कितनी भी बैठकें कर ले, अब जनता इन्हें उठाकर हटाकर ही दम लेगी। बता दें कि दिल्ली और लखनऊ की दूरी के बहाने अखिलेश यादव उस चर्चा को हवा दे रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व में कुछ खटपट चल रही है। इससे जुड़ी बातें पिछले 2 महीनों से लगातार चल रही है। वैसे अपने हाल में वाराणसी दौरे में पीएम मोदी ने योगी सरकार की जमकर तारीफ की थी। अलीगढ़ के एक गांव में रहने वाली एक विधवा पिछले कई सालों से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आशियाना पाने की आस लगाए बैठी है। 50 वर्ग गज जमीन पर पत्नी और तिरपाल डालकर अपने बहु बेटे के साथ रहने वाली विधवा का भरोसा था कि उसका बेटा नगर पालिका में भाग दौड़ करके पक्का मकान बनवा लेगा। इसके लिए उसके बेटे ने कोशिशें भी की।
वहीं कर्ज देने वाली एक निजी कंपनी से 25,000 रुपए का कर्ज लिया और नगर पालिका अतरौली में आवेदन कर दिया। आवेदन किए हुए 4 साल से ज्यादा का वक्त बीत गया है, लेकिन किसी ने भी उसे मकान बनाने के लिए धन आवंटित नहीं किया। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना का लाभ पाने के लिए उनके बेटे ने नगर पालिका अतरौली में खूब चक्कर लगाए, लेकिन आखिरकार उसकी मृत्यु हो गई। इकलौते बेटे की मौत के बाद विधवा मां का रो रोकर बुरा हाल है। बुलंदशहर में सपा नेता और रामपुर के सांसद आजम खां की रिहाई के लिए सपा नेता ने राष्ट्रपति को खून से खत लिखा है। सपा नेता सदाकत अली ने राष्ट्रपति को खून से लिखी चिट्ठी लिखी। वहीं इस खत में उन्होंने आजम खां के खराब स्वास्थ्य और झूठे मुकदमे में फंसाने का भी जिक्र किया। लखनऊ का मेदांता हॉस्पिटल मरीजों के इलाज के लिए लेटेस्ट और अल्ट्रा मॉडर्न मेडिकल टेक्नोलॉजी का प्रयोग करने के लिए जाना जाता है। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मेदांता में हाल ही में आधुनिक तकनीक से एक और ब्रेन इंजरी को सफल पिन होल सर्जरी की गई। आपको बता दें कि मेदांता लखनऊ में हर महीने इस प्रकार की 3 से 4 सर्जरी की जाती है। सर्जरी की इस तकनीक का लाभ ये है कि इस सर्जरी के दौरान सिर के एक बड़े हिस्से को खोलना नहीं पड़ता। इस सफल सर्जरी को इंटरवेंशन रेडियोलॉजी एक्सपर्ट डॉक्टर रोहित अग्रवाल और डॉक्टर गौरव चौहान द्वारा किया गया। हमारी टीम में डॉक्टर रोहित, मैं डॉक्टर गौरव एंड डॉक्टर अंकुश शामिल है। इस विधि से जान की नस में आधे सेंटीमीटर का छेद बनाकर पतले तार कैथेटर के माध्यम से ब्रेन की नसों के अंदर पहुंचा जाता है और नसों के अंदर से ही उसमें या तो स्टेंट डाला जाता है, फ्लो डाइवर्टर डाला जाता है या फिर क्वाइल डाली जाती है ताकि वो एरिज्म बंद हो जाए और नॉर्मल जो खून का प्रवाह है वो स्थापित हो जाए। तो इससे दोबारा से रीरप्चर होने के चांसेस कम हो जाते हैं और अच्छी बात ये रहती है एंडोवैस्कुलर टेक्निक में, क्योंकि कोई भी चीराटाका नहीं लगाया जाता है तो मरीज का रिकवरी टाइम बहुत ही जल्दी। अमेठी के बहादुरपुर ब्लॉक के ग्राम सभा पीढ़ी के नंद घर गोंदे में अवार्ड रिवॉर्ड कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वेदांता के सहयोगी संस्था हुमाना पीपल्स टू पीपल इंडिया के द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं इस कार्यक्रम में बहादुरपुर के सभी नंद घर की आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों को अच्छे कार्य के लिए प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया। इस दौरान सराहनीय कार्य करने वाली कार्यकर्त्री को उपहार देकर सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में अशोक कुमार के द्वारा नंद घर के बारे में विस्तार से बताया गया और साथ ही बाल विकास विभाग से श्यामा सिंह ने भी नंद घर कार्यक्रम की सराहना की। पर अवार्ड रिवॉर्ड कार्यक्रम का आयोजन किया गया। खबर गोरखपुर से है जहां कौशल विकास प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। यह आयोजन निर्धन महिलाओं और बालिकाओं के लिए किया गया था। कार्यक्रम के समापन पर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया जिसमें विभिन्न क्षेत्रों के प्रशिक्षण प्राप्त कर चुकी महिलाओं और बालिकाओं का सम्मान करते हुए उन सभी में सर्टिफिकेट का वितरण किया गया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ ही सभी को आशीर्वाद दिया गया। विश्व की आधी आबादी जो बहुत सारी सुविधाओं से वंचित है, जो अपने पैरों पर नहीं खड़ी है, उनके लिए 15 दिवसीय कौशल विकास प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया था जिसमें सिलाई, मेहंदी और ब्यूटीशियन कोर्स का प्रशिक्षण दिया गया। आज उसका समापन कार्यक्रम है जिसमें 41 महिलाओं और बालिकाओं ने अपने प्रशिक्षण के उपरांत यहां पर आकर सर्टिफिकेट प्राप्त किया है और हम लोगों ने उन्हें उनके उज्जवल भविष्य की। मैं यहाँ पे डांस सीखती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं आज सर्टिफिकेट पाई हूँ, मैं आगे चल के मैं सोच रही हूँ डांस ही मैं करूँ, बहुत अच्छा लगा। 1 हफ्ता 1 महीने का होता है 1 डे, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं सर्टिफिकेट सब मेरी तरफ बने और मेरा नाम निधि यादव।
तो गोरखपुर में निशुल्क कौशल विकास प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जहां आत्मनिर्भर भारत की ओर रोटरी क्लब का एक और प्रयास देखने को मिला। आपको बता दें कि इस निशुल्क शिविर के आयोजन में महिलाओं को सशक्त बनाने की ओर काम किया गया, जिसमें महिलाओं को विभिन्न क्रियाकलापों का प्रशिक्षण दिया गया। वहीं आज इस पूरे कार्यक्रम का समापन समारोह भी आयोजित किया गया, जिसमें प्रशिक्षण प्राप्त की सभी महिलाओं को सर्टिफिकेट से नवाजा गया। साथ ही अपील की गई कि महिलाओं को बढ़ चढ़ कर आगे आना चाहिए और अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए। आपको बता दें कि लगातार आत्मनिर्भर भारत और महिला सशक्तिकरण की ओर सरकार ध्यान दे रही है, और इसी कड़ी में निःशुल्क कौशल विकास शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें तमाम महिलाओं ने भाग लिया। कानपुर देहात में मूसलाधार बारिश की वजह से एक कच्चा मकान जमींदोज हो गया। वहीं इसके कारण मकान के मलबे में दबकर दंपति की दर्दनाक मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को बाहर निकलवाया और प्रशासन ने आर्थिक सहायता राशि पीड़ित परिवार को उपलब्ध कराने की प्रक्रिया शुरू की। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्यवाही की जा रही है। वहीं हादसे की सूचना पर पीड़ित परिवार से मिलने विधायिका प्रतिभा शुक्ला भी मौके पर पहुंची। देखिए, घटना का खबर लगा जिलाधिकारी और तहसीलदार द्वारा स्वयं मौके का निरीक्षण किया गया है और जो जन हानि हुई है उसके आर्थिक सहायता के लिए उनके द्वारा रिपोर्ट प्रेषित की जा रही है। पीड़ित को नियमानुसार मदद दिलाई जाएगी। वो कच्चा मकान गिर गया है, जो बगल से एक नाला बह रहा था और सुबह सुबह हमारे पास 5:30 बजे फोन आया प्रधान जी का, जो मकान गिर गया है और पति पत्नी दोनों उनकी मौत हो गई है। सरकार द्वारा एसडीएम साहब द्वारा 7:30 बजे पहुँच गए थे, पूरी जांच करके आप पोस्टमार्टम में आ गए हैं जिला और पूरी हम पर कार्रवाई होगी। उन लोगों को आकस्मिक योजना के अंतर्गत जो पैसा मिलना वो मिलेगा 4,00,000 रुपया। और कानपुर देहात से दर्दनाक मामला सामने आया। आपको बता दें कि मूसलाधार बारिश की वजह से एक कच्चा मकान ढह गया, जिसकी चपेट में आकर दंपति की मौत हो गई। आपको बता दें कि मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को मलबे से बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं प्रशासन की तरफ से पीड़ित परिवार के लिए सहायता राशि देने की बात कही जा रही है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर विधायिका भी पीड़ित परिवार से मिलने पहुंची। गोरखपुर जनपद के हरपुर बुधहट के तेनुआ गांव में पट्टीदार के भाई और उसके परिवार ने भाजपा नेता के घर पर धावा बोल दिया और उनकी 70 साल की मां और 1.5 साल की मासूम की फावड़े के वार से हत्या कर दी। वहीं चीख पुकार सुनकर बचाव करने आई भाजपा नेता की पत्नी और 10 साल की बेटी को भी आरोपी और उसके परिवार ने सर पर फावड़े से वार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। वहीं घटना की सूचना के बाद ईमेल के माध्यम से इस पूरे मामले की तहरीर भेजी गई। पुलिस ने उनकी तहरीर पर आरोपी और उसके परिवार वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की सरगर्मी से तलाश शुरू कर दी है। गांव तेनुआ में परशुराम शुक्ला की माता लगभग 1.5 वर्षीय पुत्र की हत्या कर दी गई है। उनके पत्नी और उनकी एक बेटी घायल है और ये हत्या उनके ही खानदानी भाई लगते हैं सीताराम और उनके परिवारी जनों द्वारा मिलकर की गई। तो गोरखपुर से ये पूरा मामला सामने आया, जहां हरपुर बुधहट के तेनुआ गांव का ये पूरा मामला बता रहे हैं, जहां पट्टीदारी के भाई और उसके परिवार ने एक भाजपा नेता के घर में मौत का तांडव मचाया है। आपको बता दें कि भाजपा नेता के घर पर धावा बोलते हुए भाजपा नेता की 70 वर्षीय माँ और 1.5 साल के मासूम की फावड़े से वार करके हत्या कर दी है। वहीं बीच बचाव करने आई भाजपा नेता की पत्नी और बेटी की को भी गंभीर रूप से घायल कर दिया गया है। फिलहाल पूरे मामले की पुलिस तफ्तीश कर रही है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। हमीरपुर के राज उरई मार्ग पर स्थित इटायल गांव के पास एक युवक का शव संदिग्ध अवस्था में मिला है। वहीं शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। वहीं इस घटना से मृतक के परिवार में कोहराम मचा हुआ है।
हमीरपुर से यह मामला सामने आया जहां शव मिलने से पूरे गांव में सनसनी फैल गई। आपको बता दें कि संदिग्ध अवस्था में एक युवक का शव बरामद किया गया है, जिसके बाद तत्काल पूरे मामले की सूचना पुलिस को दी गई। वहीं पुलिस ने भी तत्पर कार्यवाही करते हुए मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं पुलिस आगे की कार्यवाही में जुट गई है। वहीं पूरा मामला सामने आने के बाद मृतक के परिवार में कोहराम मचा हुआ है। रायबरेली के सलोन कोतवाली क्षेत्र में सई नदी में नहाते हुए एक युवक डूब गया, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव की तलाश शुरू कर दी और पुलिस ने शव को बरामद कर लिया। वहीं परिवार वालों का फिलहाल रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। रायबरेली से यह पूरा मामला सामने आया जहां सई नदी में डूबने से एक युवक की मौत हो गई। आपको बता दें कि युवक नदी में नहाने गया था, जिसके बाद यह हादसा देखने को मिला। वहीं युवक के डूबने की खबर तत्काल पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर गोताखोरों की मदद से युवक की तलाश शुरू कर दी। वहीं कुछ ही समय बाद गोताखोरों ने युवक का शव बरामद किया है। फिलहाल मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं पुलिस ने आगे की पड़ताल शुरू कर दी है। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार।